भक्तजनों नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एकादशी व्रत का महत्व और निर्जला एकादशी की व्रत कथा। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी व्रत करता है वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। निर्जला एकादशी जेठ मास के महीने में आती है और निर्जला का अर्थ है निराहार और निर्जल रहकर व्रत करना। इसके करने से हर प्रकार के मनोरथ की सिद्धि होती है। निर्जला एकादशी की व्रत कथा इस प्रकार है। भीमसेन व्यास जी से एक बार कहते हैं कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज मैं उनसे कहता हूँ कि भाई मैं विधिवत भगवान की पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, परंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहने लगे, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रति मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। भीम कहने लगे, हे पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई अन्य व्रत हो तो वह मुझे रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वर्क नाम की अग्नि है, सो मैं भोजन के बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, एक समय भी बिना भोजन के रहना कठिन है। अतः आप मुझको कोई ऐसा व्रत बतलाइए जो वर्ष में केवल एक ही बार करना पड़े और मुझको स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। श्री व्यास जी कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने अनेक शास्त्र आदि बनाए हैं जिनसे बिना धन के थोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो सकती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए लिखा है। श्री व्यास जी के वचन सुनकर भीमसेन नरक में जाने के भय से भयभीत हो गए और कांप कर कहने लगे कि अब क्या करूं, मास में दो व्रत तो मैं कर नहीं सकता, हाँ वर्ष में एक व्रत करने का प्रयत्न अवश्य कर सकता हूँ। अतः वर्ष में एक दिन व्रत करने से यदि मेरी मुक्ति हो जाए तो ऐसा कोई व्रत बतलाइए। यह सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वर्ष और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उस एकादशी का नाम निर्जला है, तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल वर्जित है। आचमन में 6 मास से जल से अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा वह मद्यपान के समदर्श हो जाता है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत नष्ट हो जाता है। यदि एकादशी को सूर्योदय से लेकर द्वादशी को सूर्योदय तक जल ग्रहण न करें तो उसे सारी एकादशियों के व्रत का फल प्राप्त होता है। द्वादशी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि करके ब्राह्मणों को दान आदि देना चाहिए। इसके पश्चात भूखे और सतपात्र ब्राह्मणों को भोजन कराकर फिर आप भी भोजन ग्रहण कर लेना चाहिए। इसका फल एक वर्ष की संपूर्ण एकादशियों के फल के बराबर होता है। व्यास जी कहने लगे कि हे भीमसेन, यह मुझको स्वयं भगवान ने बतलाया है। इस एकादशी का पुण्य समस्त तीर्थों और दानों से भी अधिक है। केवल एक दिन मनुष्य निर्जल रहने से पापों से मुक्त हो जाता है। जो मनुष्य निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं उनको मृत्यु के समय यमदूत आकर नहीं घेरते, वरन भगवान के पार्षद उसको पुष्पक विमान में बिठाकर स्वर्ग को ले जाते हैं। अतः संसार में सबसे श्रेष्ठ निर्जला एकादशी का व्रत है, इसलिए यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। उस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का उच्चारण करना चाहिए और गौ का दान भी करना चाहिए। इस प्रकार व्यास जी के आज्ञानुसार भीमसेन ने इस व्रत को किया, इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी या पांडव एकादशी भी कहते हैं। निर्जला व्रत करने से प्रथम भगवान का पूजन करके यह प्रार्थना करें कि हे भगवान, आज मैं श्रद्धा पूर्वक निर्जला व्रत रखकर दूसरे दिन भोजन करूंगा, अतः आपकी कृपा से मेरे सब पाप नष्ट हो जाएं। इस दिन जल से भरा हुआ एक घड़ा वस्त्र से ढककर स्वर्ण सहित दान करना चाहिए। जो मनुष्य इस व्रत को करते हैं उनको करोड़ों
पल सोने के दान का फल मिलता है, और जो इस दिन यज्ञ आदि करते हैं उनका फल तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। इस एकादशी के वर्ष से मनुष्य विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो मनुष्य इस दिन अन्न खाते हैं वे चंडाल के समान हैं, वे अंत में नरक में जाते हैं। जिन्होंने निर्जला एकादशी का व्रत किया है वह चाहे ब्रह्म हत्यारे हों, मद्यपान करते हों, चोरी करते हों या गुरु के साथ द्वेष करने वाले हों, मगर इस व्रत के करने से सब स्वर्ग में जाते हैं। हे कुंती पुत्र, जो पुरुष या स्त्री श्रद्धा पूर्वक इस व्रत को करते हैं उनको निम्नलिखित कर्म करने चाहिए। प्रथम भगवान का पूजन, फिर गोदान, ब्राह्मणों को मिष्ठान व दक्षिणा देनी चाहिए तथा जल से भरे कलश का दान अवश्य करना चाहिए। निर्जला के दिन अन्न, वस्त्र, पात्र, जूती आदि का दान भी करना चाहिए। जो मनुष्य भक्ति पूर्वक इस वर कथा को पढ़ते या सुनते हैं उनको निश्चय ही स्वर्ग की प्राप्ति होती है। जय हो एकादशी माता, जय हो मेरे विष्णु भगवान, जय हो मेरे विष्णु लक्ष्मी माता। आप लोगों को अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी अगली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। नमस्कार।